देवी, हम इन भूतों का शहर पहुंच जाती। अब हम भूतों के साथ फोटो खिंचवाती। पहले तो अपने ऊंट में बैठ के टैक्सी साला पूरा दिन हो गया, कोई मुर्गा ही नहीं फंसा। मिल गया मुर्गा। आइए आइए, सब कहाँ जाना है आपको? माशाल्लाह, पहले तो हम टैक्सी ढूंढती। हम हैं ना टैक्सी ड्राइवर, बोलो कहाँ जाना है आपको? वल हबीबी, तुम टैक्सी ड्राइवर होती? नहीं, हम हवाई जहाज के ड्राइवर होती। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम तो हीरो लगती। लेकिन खमीज का बच्चे तुम्हारी ये टैक्सी किधर होती? यही पास में होती। चलिए पहले तो आप हमें सामान दीजिए और आइए शेख साहब, यहाँ बैठिए। आप यहाँ बैठिए। पहले तो हम अपने ऊंट से उतर के लेकिन शेख साहब आपको जाना किधर है? हमको तुम भूतों के पास ले जाती, हम उनके साथ फोटो खिंचवाती। भूतों के पास? भूतों के पास, भूतों के पास। माशाल्लाह माशाल्लाह, भूतों के पास। भ भ भोसड़ी वाला भ। अच्छा, क्या बोले तुम? भूतों के पास। हाँ यही बोलती हम, तुम हमको भूतों के पास ले जाती, हम फोटो खिंचवाती, फिर हम तुमको तेल से नहलाती। हाँ, अगर तुम हमको धोखा देती तो उसी तेल के साथ जला देती। रुके रुके शेख साहब, हम अभी कॉल करके आते हैं। किसको करती सुख? अभी आते। हेलो हेलो, शालू भाई कहाँ पे? एक मुर्गा फंसा है, तुझे बस भूत बनना है, उसे भूतों के साथ फोटो लेनी है। आज पता लग जाएगा भाई तू कितनी एक्टिंग करता है। हाँ हाँ, मैं उसे लेके आ रहा हूँ। हाँ हाँ, उसी शेख मुर्गे को लेके आ रहा हूँ। तू उसी खंडर पे पहुँच जाना, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक। चलिए शेख साहब। वो हबीबी, तुमको हमारा ऊंट नहीं दिखती? अरे यहाँ तो है मेरा प्यारा बच्चा, तुमको दिखती नहीं? हमें कुछ नहीं दिखती। खबीज का बच्ची, तुमको हमारा ऊंट नहीं दिखती? जब ऊंट होती नहीं तो मेरे को दिखती कहाँ से? हबीबी, तुम ईमानदार तो होती कि बेईमान होती? ऊंट से ईमानदारी का क्या लेना देना? वाला हबीबी, तुमको पता होती ये ऊंट हमारा उसी को दिखती जो ईमानदार होती। लगता तुम ईमानदार नहीं होती। अगर साला मैंने ना बोला तो ये मुर्गा तो गया। दिखती शेख साहब दिखती, इतना प्यारा ऊंट है। वाला हबीबी, खबीज का बच्ची, तुम किसको सहलाती? इतना प्यारा ऊंट है शेख साहब, ये इसका पिछवाड़ा होती खबीज का बच्ची, इधर होती इसका मुंह। इतना प्यारा है शेख साहब, चलिए चलते हैं। हमारे ऊंट में बैठ के जाती है। ऊंट में? हाँ ठीक है। तू बैठती कि नहीं? बैठ जाती शेख साहब, आराम से बैठती, हमारे ऊंट को लगती है। ये रही शेख साहब हमारी गाड़ी। किधर? ओ इधर तो होती। आइए शेख साहब, पहले हमारे ऊंट पर बैठाती तुम। ऊंट कहाँ आती? आ जाती, तुम घुसाती तो सही। डिक्की में डाली। आप यहाँ पे बैठी, मैं ऊंट को डालता हूँ।
थी, हमारे ऊंट का कुछ खरोच नहीं देती तुम। नहीं आती, चलिए शेख साहब। हाँ, वरना हम तुमको जला देती। बुड़बक पागल है। तुम किसको पागल बोलती? नहीं नहीं शेख साहब, हम खुद को पागल बोलती। चलिए आप। साला कभी इसका बच्ची गाड़ी रोकती, हमको बहुत जोर का पेशाब आती। ड्राइवर का बच्ची हमको पेशाब करना मांगती, गाड़ी रोकती। अबे शेख साहब, दिखता नहीं है क्या? पास दे रहा हूँ, अभी गाड़ी नहीं रोक सकता मैं। अरे गाड़ी रोकती हमारी निकल जाती। रुक जाइए शेख साहब, यहाँ पे नहीं रुक सकते। तो बोतल देती, पर कुछ तो देती, हमारी निकल जाती। पीछे को नहीं देखती तुम। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है देखने का। सबसे ज्यादा मुझे तो पेशाब करने में आती। जब लास्ट बूंद गिरती तब सबसे ज्यादा मजा आती शेख साहब। जो मजा लास्ट बूंद गिरने में है वो किसी में नहीं आती। हमको ये लेती तुमको गिफ्ट। हमें नहीं चाहती। ये तो ठीक होती ड्राइवर। हाँ जी, लेकिन तुम्हारा नाम क्या होती शेख साहब? हमारा नाम होता होला। झोला? ये कैसा नाम होती? झोला नहीं शेख साहब, भोला। हो भोला भोला, ऐसा नाम कौन रखती? माशाल्लाह माशाल्लाह। वो क्या बात है ना शेख साहब, हम पैदा हुए थे होली के दिन, तो हमारी माँ ने होला नाम रख दिया था। होला, अच्छा हुआ ड्राइवर तुम लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुए, नहीं तो तुम्हारा नाम तुम्हारी माँ। हम समझ गए शेख साहब, चलिए। तुम समझ जाती? हम बहुत समझदार होती। तो चलती। ये रहा शेख साहब भूतों का साम्राज्य। बोल हबीब। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अगले पार्ट के लिए तैयार रहिए और अगला पार्ट जल्दी आएगा और आपको यूं ही हंसाते रहेंगे भैया। बस सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बताओ। धमाके।